Hello student, in this video we are going to learn about the mathematics of the class 6, lesson number 1. This is knowing our number. This is part 2 video or second video of this lesson. Here we are going to learn all the basic concepts. Just we revise it which we have learned in the class 5, and then we proceed. We are going to ahead the new concepts which are correlated with the class 5. We have completed up to this part 1. Last question was the 4th question in the part 1 video. If you are not watched that video, you will watch it. That is very important one. This is second video. So all of you like it, share it and subscribe the channel. Stand in a proper line. Who is tallest and who is the shortest? Keep in mind, when we are going to compare two things, then we use the comparative degree, that is smaller, taller, higher, lower, like this. But there are more than two participants, more than two things, then we have to use superlative degree. बच्चों, जहाँ पर दो से ज़्यादा चीज़ें कंपेयर करना होता है, तब हमें वहाँ पर superlative degree का यूज़ करना पड़ता है. जैसे इन्होंने किया है यहाँ पर, इन्होंने पूछा है यहाँ पर, who is the tallest and who is the shortest. Just देखिए, यहाँ सबकी हाइट दी हुई है, आप यहाँ देख के पता लगा सकते हैं कौन टॉलेस्ट है एंड कौन शॉर्टेस्ट है. तो राम हरि 160 सेंटीमीटर है, डॉली 154 सेंटीमीटर है, मोहन 158 सेंटीमीटर है एंड शशि 159 सेंटीमीटर है. आप जान रहे हैं बच्चों, राम हरि इज़ द टॉलेस्ट बिकॉज 160 इज़ द हाईएस्ट वन. 160 इज द हाईएस्ट वन एंड लोएस्ट और सबसे कम वैल्यू है डॉली की, उसको हम शॉर्टेस्ट कह सकते हैं, जिसकी हाइट सबसे छोटी है. टॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट. और एक क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, कैन यू अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट. इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है. मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे छोटा पहले, फिर बड़ा, फिर बड़ा. स्मॉलेस्ट इज डॉली वन. तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे छोटी कौन है? डॉली. इंक्रीजिंग ऑर्डर है हमारी ये, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ डॉली. उससे बड़ी कौन है? बड़ा कौन है? उससे बड़ा है मोहन. उसके लिए, मोहन के लिए मैं एम लिख रहा हूँ. देन इंक्रीजिंग कौन है? शशि. एंड देन इंक्रीजिंग कौन है? राम हरि. हो गया ना इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले डॉली, देन मोहन, देन शशि एंड देन राम हरि. तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, छोटे से बड़ा, स्मॉलर टू हायर. नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, कैन यू अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. उसको उल्टा कर लीजिए, इंक्रीजिंग के उल्टा करेंगे तो डिक्रीजिंग आपको मिल जाएगा. यहाँ पर देखिए, विच टू बाय. Here they are given the prices of different cupboards. First cupboard is 2625. Second one is 1897. Third one is 2854, 1788, 3975. Different prices for the different cupboards. अलग अलग कबर्ड के लिए अलग अलग prices. सोहम एंड रीता वेंट टू बाय अलमीरा. देयर वेर मेनी अलमीराज अवेलेबल विद देयर प्राइस टैग. ये प्राइस टैग लगा रहता है बच्चों, प्राइस टैग मतलब उसकी वहाँ प्राइस लगी रहती है. अब आपको करना क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैन यू अरेंज देयर प्राइसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. अभी हमने पढ़ा था इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए सबसे छोटा नंबर पहले, फिर बड़ा और फिर बड़ा. तो सबसे छोटा कौन है इसमें? All of them have four digits, so we can't compare with the help of number of digits. Then come to the first digit or left side digit, 2121 or 3. तो यहाँ पर बच्चों 1 है,
ये देखिए 1897 1788, आप एकदम अच्छे समझ पा रहे होंगे बच्चों कि कितना आसान है। 1788 इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है ना बच्चों, देन बड़ा कौन हो जाएगा 1897, उससे बड़ा कौन है 2635, एंड द ग्रेटर इज ग्रेटेस्ट इज 3975। हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले छोटा फिर बड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू अरेंज देयर प्राइस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, बस उसके उल्टा लिख लो, हो गया, कुछ भी मुश्किल नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर का डेफिनेशन उन्होंने दिया है बच्चों यहाँ पर, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, एंड डिसेंडिंग मीन ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। कम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं बच्चों, यहाँ अरेंज द फॉलोइंग मेंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ हमें नंबर दिए गए हैं जिसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। पहला नंबर देखिएगा, पहला एग्जांपल देख लीजिए, उसको हम करेंगे। फर्स्ट रूल इज काउंट द नंबर ऑफ डिजिट, और उसमें आपको पता चल रहा है कि ये और ये जिनका डिजिट 3 है, बाकी वाले 4 डिजिट वाले हैं, तो 3 डिजिट छोटा है, अब उस दोनों को कंपेयर करेंगे। जिस नंबर्स में 3 डिजिट थे उसको पहले कंपेयर करेंगे। रूल वही है, फाइंड आउट और द ऑब्जर्व द लेफ्ट साइड डिजिट। यहाँ फर्स्ट में 8 है, नेक्स्ट 5 है, तो आपको पता है 5 छोटा होता है 8 बड़ा होता है, तो 571, देन इट इज स्मॉलर देन 847, स्मॉलर देन, यहाँ सिंपल दिख रहा है 8 वाला पहला डिजिट आएगा 8320, स्मॉलर देन 9754। एकदम आसान है बच्चों, इस तरह से आप करेंगे तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला तो उसको उल्टा करना है। ओके नेक्स्ट हम भी एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट फाइंड आउट दैट देयर आर सम नंबर्स with 4 digit and some numbers with 5 digit. four digit number. So automatically 4 digit number is the smallest one. 9801. Smaller than. Now compare the 5 digit number. Compare the only left side digit 233, then 2 is the smallest one, so 25751। बच्चों समझ में आया ना, फाइव डिजिट नंबर में यहाँ 2 था यहाँ 33, तो दोनों 3 है तो 2 वाला छोटा हो गया, मैंने उसको पहले लिख लिया। अब नेक्स्ट इन दोनों में कंपेयर करना है, फर्स्ट डिजिट मतलब लेफ्ट साइड का डिजिट सेम है 33, अब राइट साइड के डिजिट में चलिए, इधर 6 है इधर 8 है, तो 6 छोटा होता है, सो ऑटोमेटिकली 36501 स्मॉलर देन 38802। क्लियर हो गया एकदम, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग बोला तो उसको उल्टा करना है बस, असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग। नेक्स्ट अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग में हम करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो ए वाला एग्जांपल लेते हैं। ये सारे के सारे यहां पर देखिए, एक 5 डिजिट नंबर है बाकी 4 डिजिट नंबर है, 85400 5 डिजिट नंबर है और बाकी 4 डिजिट नंबर है, तो 4 डिजिट में हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पहले इसमें 5 है देन 7 है देन 7 है, तो 5 वाला सबसे छोटा होता है, सबसे बड़ा नंबर हमें पहले लिखना है क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, तो पहला नंबर आएगा 85400, ये ग्रेटेस्ट नंबर है, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर। अब तीनों में बड़ा कौन है, डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे बड़ा, ठीक है पहले सबसे बड़ा, अब ये नंबर हो गया ठीक, अब बाकी 3 कंपेयर करो, इसमें सबसे बड़ा लिखो ठीक। यहाँ देखिए 5 नहीं हो सकता, यहाँ दोनों 7 7 है, 7 के बाद
डिजिट 5 है, 7 का डिजिट 8 है, तो हमें ये लिखना पड़ेगा 7861, दोनों ये बड़ा था, अब हमें इसको भी ये कर दिया। पहला लिखा था हमने 8500, ग्रेटर देन 7861, ग्रेटर देन 7500 एंड ग्रेटर देन 5000, 5000। तो इस तरीके से आपको उसको डिसेंडिंग करना है। कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल वन, सेम वे ये 1971 फोर डिजिट नंबर है, बाकी सारे 5 डिजिट नंबर है, तो 4 डिजिट नंबर सबसे छोटा होगा, उसको हम लास्ट में लिखेंगे। अब आगे जो है इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो ये 5 डिजिट नंबर में हम फर्स्ट डिजिट कंपेयर करेंगे, तो यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9, तो सिंपल ये सबसे बड़ा होगा, लिखेंगे 9 2 5 4 7, इसको हम रब करेंगे थोड़ी देर के लिए। ग्रेटर देन, अब इस तीनों में सिंपल दिख रहा है यही बड़ा है क्योंकि 8 बड़ा है, 8 8 7 1 5, ग्रेटर देन 4 5 3 2 1, ग्रेटर देन 1 9 7 1, डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा पहले। नंबर कंपेयर कैसे करना है उसके लिए मेरा स्पेशल वीडियो है, बार बार रूल में समझा रहा हूँ, उसको याद करते रहिएगा, फिर आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, शिफ्टिंग डिजिट। अब अगर डिजिट शिफ्ट करते हैं तो क्या हम नंबर जो बदलेगा वो कैसे होगा उसके बारे में है। डिजिट शिफ्ट मतलब क्या समझ लीजिए, वंस प्लेस का डिजिट टेंस प्लेस पे, टेंस प्लेस का हंड्रेड प्लेस पे, हंड्रेड प्लेस का वंस प्लेस पे, तो कहीं ना कहीं उछल कूद करना, उसको कहा जाता है शिफ्टिंग ऑफ डिजिट। इन शिफ्टिंग डिजिट हैव यू थॉट व्हाट फन इट वुड बी इफ द डिजिट्स इन अ नंबर कुड शिफ्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने 182 का, देखिए 182, आपको पता है इसकी प्लेस वंस है, इसकी टेंस है, इसकी हंड्रेड, हमने चेंज कर दिया, 2 को 100 प्लेस पर लेके आए, 281 एक्सचेंज हो गया, नंबर चेंज हो गया ना। मान लो कि हमने, हम क्या करेंगे 8 को इधर लेके आएंगे, तो 812, तो इसको कहते हैं बच्चे शिफ्टिंग ऑफ डिजिट। तो जो शिफ्टिंग ऑफ डिजिट नंबर के नंबर बनते हैं उसको भी आपको कंपेयर करने के लिए यहाँ बताया गया है। तो ये नंबर आप शिफ्टिंग करके बना सकते हैं बहुत सारे, और उसको आप कंपेयर भी कर सकते हैं, उसको असेंडिंग डिसेंडिंग में भी अरेंज कर सकते हो, मैंने आपको बताया है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है इज़ द न्यू नंबर इज़ ग्रेटर देन द फॉर्मर वन, इज़ द न्यू नंबर स्मॉलर देन द फॉर्मर वन। तो न्यू नंबर जो बनेगा वो ग्रेटर होगा कि स्मॉलर होगा, किस तरीके से होगा, तो ये टोटली डिपेंड उस डिजिट्स पर हैं। ठीक बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक एग्जांपल लेते हैं 391, जस्ट वी शिफ्ट द प्लेस दिस एंड दिस 193, न्यू नंबर स्मॉलर हुआ ग्रेटर हुआ, स्मॉलर। अब क्या करेंगे, इन दोनों की प्लेस चेंज करेंगे, तो नंबर क्या बनेगा 931। ये जो न्यू नंबर बना है वो जो पेरेंट नंबर था जिससे हमने बनाया, ग्रेटर है कि स्मॉलर है, ग्रेटर है, बस इसी तरह क्वेश्चन आएगा। ठीक बच्चों, आया आपको समझ में, और क्या कर सकते हैं आप, हर एक की प्लेस चेंज कर सकते हैं, और ऐसे लगभग 8-9 नंबर बनेंगे, आप उसको बना सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है, आप इसकी कोशिश करिएगा। 931 हो गया, फिर आप ये काम कर सकते हैं, ये 19 और 1 की प्लेस चेंज कर सकते हैं, नंबर बनेगा 319, देखिए नंबर बदल गया है ना, 391 319, तो इस तरीके से आप बहुत सारे नंबर बना के कंपेयर कर सकते हैं। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बनाने के, नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये आप समझ गए। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है बच्चों यहाँ पर,
इंट्रोड्यूसिंग 10,000। वैसे मैंने आपको क्लास फाइव में जो वीडियो भेजा उसमें लाख 10 लाख तक मैंने पढ़ाया है, फिर भी इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे छोटा स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर है 9, स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर इज 9, ऐड किया तो बन गया सॉरी ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर प्लस वन किया, ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर प्लस वन किया तो स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर बन गया। ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर सबसे बड़ा दो डिजिट नंबर उसमें वन ऐड किया, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट बन गया। आपको आ रहा है समझ में? फिर से एक बार, सबसे बड़ा मतलब ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर ऐड करेंगे वन, उसमें हम वन ऐड करेंगे तो बनेगा स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर प्लस वन स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर प्लस वन स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर। रूल क्या बना देखिए, ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर प्लस वन स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर प्लस वन स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर प्लस वन स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर। तो इस तरह से इसका रूल बनता है। आगे चलेंगे, ये प्रोसेस उन्होंने आगे बढ़ाई है, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर प्लस वन फाइव डिजिट, स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट बनेगा। यहाँ देखिए ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर प्लस वन स्मॉलेस्ट टेन डिजिट नंबर, फाइव डिजिट नंबर मतलब 10,000 हो गया। 10,000 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10,000 मतलब होता है 10 × 1,000, 1,000 के हम 10 नोट्स लेते हैं, 1,000 के 10 नोट्स लेते हैं तो 10,000 बनता है। ये यहाँ दिखा रहा है बच्चों। नेक्स्ट कंसेप्ट हम रिवाइज करेंगे, यहाँ पर नंबर स्प्लिट करना है। नंबर को क्या करना है यहाँ पर बच्चों, स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के नंबर मैंने आपको एक्सपांशन भी बोलते हैं उसको, दो वर्ड है उसके लिए, एक वर्ड है स्प्लिट, एक वर्ड है एक्सपांशन। बहुत सिंपल है, इस यह एग्जांपल कुछ करके दिखाएं, मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगा आपको। हम हाउ कैन वी राइट 52, 50 + 2, हाउ कैन वी राइट 763, जैसे पढ़ेंगे वैसे लिखेंगे। कैसे पढ़ा हमने, 700 लिख दिया, 60 लिख दिया, 3 लिख दिया। यू शुड राइट एज वी रीड, जब 8,933, हाउ कैन वी राइट इट 8,000, वी रीड 8,000 सो राइट डाउन द 8,000, वी रीड 900 सो राइट डाउन द 900, वी रीड 30 राइट डाउन 30 एंड देन 3। सो इन दिस वे यू कैन स्प्लिट एनी नंबर, यू कैन राइट द एक्सपांशन फॉर्म। बच्चों इसको एक्सपांशन फॉर्म कहा जाता है, आप किसी भी नंबर का एक्सपांशन फॉर्म आराम से लिख सकते हैं, जैसे बोलते हैं वैसे लिख लेना, कोई मुश्किल बात नहीं है। एक्सपांशन फॉर्म को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, कैसे देखिए, हमने इसको पढ़ते हैं 445, कैसे पढ़ेंगे बच्चों हम इसको, 45,278। अब इसको आप, उन्होंने थोड़ा और अलग करके लिखा है, ये भी एक्सपांशन फॉर्म बहुत आसान है। यहाँ पर क्या करना है, पहला डिजिट लिखिए, राइट ऑन द फर्स्ट डिजिट 5, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर दैट वन, आफ्टर द 4 देर आर 4 डिजिट्स सो पुट द 4 जीरोस, देन राइट ऑन द 5, हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर द 5 3, देन द पुट 3 जीरोस प्लस, then write down the 2, after 2 there are 2 digits so put the 2 zeros, then 7, after the 7 there is only 1 digit so put 1 zero and at last 8. You can write the expansion in this way also. Here you needn't require any knowledge, ज़्यादा knowledge ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा number पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 1s, 10s, 100 नहीं आया तो भी चलेगा, आप ऐसा expansion आराम से लिख सकते हैं, कोई मुश्किल बात यहाँ
नहीं है। देखिए 20,000 कैसे लिखा है, 2 × 10,000 20,000, देन 26,000 कैसे लिखा है, देखिए मैंने जैसे बताया था 2 के बाद कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट, तो मतलब 1 के आगे 10 डिजिट दे दिए, देन 6 × 10,000। तो ये बहुत ही आसान है बच्चों, एकदम सिंपल है, मैंने जैसे बताया। इसको अगर हमें लिखना है तो कैसे करेंगे, पहले 3 लिखेंगे, इंटू 1 लिखेंगे और 1 के आगे 4 डिजिट लिखेंगे। डू यू अंडरस्टैंड व्हाई शुड यू राइट 4 डिजिट्स और 4 जीरोज हियर, बिकॉज देयर आर 4 डिजिट, 3 के बाद यहाँ 4 डिजिट्स हैं, इसलिए हमने 3 × 1 लिखा, उसके आगे 4 जीरो दे दिए, क्लियर। उसके बाद है 8, प्लस का साइन यहाँ दे देंगे, 8 के बाद वहाँ 3 डिजिट्स, 8 के बाद वहाँ 3 डिजिट्स हैं, तो 8 × 1 लिखेंगे, उसके बाद हम वहाँ 3 डिजिट दे देंगे, प्लस 4, 4 के आगे 2 डिजिट्स हैं, 2 जीरो, हम 1 के आगे 2 जीरो देना है, ये 1 के आगे 2 जीरो ज़रूर देना है, नहीं तो फिर आप मिस्टेक करेंगे, 1 लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये इसी तरह से लिखा गया है बच्चों, एकदम आसान है। एक और एग्जांपल मैं अपने वजह से ले रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझा पाऊँ। देखिए 7, 3, 8, 6, 5, 2 एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत आराम से आसानी से लिखेंगे। फर्स्ट वी शुड राइट द 7, देन राइट डाउन द मल्टीप्लाई बाय 1, देन द काउंट नंबर ऑफ डिजिट, हियर नंबर ऑफ डिजिट्स आर 5, देन द पुट 5 जीरोज आफ्टर 1, फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड। देन राइट डाउन द प्लस साइन, देन राइट डाउन द नेक्स्ट डिजिट, इट इज 3, ओके, मल्टीप्लाई बाय 1, हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर 3, 4 डिजिट, देन पुट डाउन द 4 जीरोज, ओके, देन अगेन पुट द साइन प्लस 1, देन राइट डाउन 8, आफ्टर 8 देर आर 3 जीरोज, सो 8 × 1, देन 3 जीरोज, आफ्टर दैट 6 × 1, बट आफ्टर 6 देर आर 2 जीरो, 2 डिजिट्स, सो वी शुड पुट 2 जीरोज, प्लस 5 × 10 प्लस 2। सो इन दिस वे यू कैन ईजिली राइट डाउन दिस एक्सपेंशन फॉर्म। देर आर मोर नंबर्स आर गिवन, मोर एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, यू कैन राइट देम इन द वर्ड फॉर्म, मीन्स यू हैव टू राइट दिस नंबर इन वर्ड फॉर्म ऑल्सो, एंड दिस इज द इंडियन फॉर्मेट, यू नो दैट 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10 lakh, crore, 10 crore, दीज आर द इंडियन सिस्टम टू राइट द नेम्स ऑफ द नंबर, एंड इन दिस वे यू कैन डू दैट। द एक्सपेंशन इज वेरी वेरी सिंपल, यू कैन डू दैट, जस्ट वी विल आई विल सॉल्व 1 or 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम दिस वन, देन वी विल गो अहेड। दिस इज वेरी सिंपल, 50,000, देन 41,000, आई एम जस्ट टेलिंग यू द नंबर नेम्स, इज कॉल्ड इज द नंबर नेम्स, 47,300, 57,630, 29,485, 29,085, 20,085, 2005, लास्ट में क्या था, 2005। बहुत आसान है, इसको आप आसानी से लिख सकते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। चलो एक एग्जांपल हम करेंगे यहाँ पर, ये वाला कैसे करना था, एक्सपेंशन फॉर्म कैसे लिखना है, इसको वर्ड में कैसे लिखना है, पहले देख लीजिएगा, 29,485। एक्सपेंशन फॉर्म लिखना बच्चों बहुत आसान है। फर्स्ट यू शुड राइट द 2, देन द काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर 2, देयर आर 5, 1, 2, 3, 4, 5, राइट ऑन द साइन, सॉरी जस्ट वेट, you can write in this way, 2 × 1, then the number of 4 zeros there, then sign plus, then 9 × 1,
9 into 1, then 3 zeros, plus 4 into 1, then 2 zeros, plus 8 into 1, 1 0, matlab 10, plus 5. So, in this way, you have to write the expansion form and the number names here. बच्चों इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है इंट्रोड्यूसिंग वन लैक. इंट्रोड्यूसिंग वन लैक यहाँ देखिएगा ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर. ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर देन वी ऐड वन इन इट. ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर में वन ऐड करो आपको मिलेगा स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर. स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर इसका मतलब है ये 1 लाख हो जाता है. ये क्या हो जाता है बच्चों 1 लाख. ठीक. अब सेम जो अभी मेथड मैंने सिखाई थी एक्सपेंशन फॉर्म की सेम मेथड इन्होंने किया यहाँ पर. देखिए टू के बाद क्या है कितने डिजिट है 2 into 1 लिखना है. क्या लिखना है 2 into 1 लिखा देन नंबर ऑफ जीरोज आर 5. यस 5 जीरोज आर दिया प्लस 4 into 1 देन 4 zeros देन 6 into 1 देन 1 के आगे 3 zero 8 into 1 देन 2 zero 5 के आगे 1 zero. इस तरीके से आप आसानी से ये एक्सपेंशन फॉर्म कर सकते हैं. यहाँ पर भी आपको नंबर नेम्स दिए हैं. यू हैव टू राइट द नंबर नेम्स आल्सो राइट डाउन द एक्सपांडेड फॉर्म. जस्ट वी विल आई एम गोइंग टू सॉल्व वन example for you from this exercise so you can solve it others. So I have to take this number 4 5 7 9 2 8 count ones tens ones tens hundred thousand 10,000 lakh 4 lakh. How can you write 4 lakh? You know the place value lakh. The place value of 4 is lakh. 4,57,928. उसके नीचे वाला कैसे पढ़ेंगे 4,07,928. उसके नीचे वाला इसे इसको कैसे पढ़ेंगे 4,08,000. 10,000 वाला गायब ही हो गया वहां से 0,0 आ गया ना 4,08,029. और लास्ट वाला कैसे पढ़ेंगे 4,29,000. एकदम आसान 4,29,000. चलिए अब एक्सपेंशन देखते हैं कैसे लिखना है बच्चों. एक्सपेंशन देखते हैं. एक्सपेंशन मैं इसी का ही करूंगा. थोड़ा मुश्किल है. मुश्किल मतलब बड़ा नंबर है तो आसानी से करेंगे हम. देखो फर्स्ट वी राइट द फर्स्ट डिजिट देन राइट डाउन द वन देन 5 zeros आर हियर देन राइट डाउन द 5 देन 1 then 4 zeros plus write down the 7 then 1 3 zeros plus 9 into 1 2 zeros plus 2 into 1 1 zero and at last write down the 8 as it is. So it's very simple. बहुत ही बच्चों ये simple हो जाता है आसानी से. चलिए यहाँ तक ही हम सेकंड पार्ट में पूरा करेंगे. नेक्स्ट कंसेप्ट जो है बच्चों लार्ज नंबर्स 10 लाख वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं. तो जिन्होंने पहले वाला वीडियो नहीं देखा वो ज़रूर देखिए और ये सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो में तो जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ उसको भी आप ज़रूर देखिए. वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ. कॉमेंट ज़रूर करिए कि आपको क्या लगाया. हो सकता है एक आध बार लिखने में मिस्टेक हो जाए उसको इग्नोर करिए. कभी कभी ऐसा हो जाता है. मैंने मोस्टली कोशिश की है कि कोई इसमें गलती ना हो. एक आध गलती हो तो उसको इग्नोर करने से कोई बात नहीं.